कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है, काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है, जो 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 काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना, किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी, एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है, पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके, हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए, राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं, मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए, सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर हैं, जनता दल 7 मेंबर हैं, और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। एसटीसी में भी शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है, अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते, वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी,
फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।